हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल लेस क्रोशे करना बताऊंगी। बहुत इजी है और बहुत जल्दी ये बन जाती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। आप इसको स्लीव्स पे, दुपट्टे पे या कमीज के घेरे पे भी आप इसको लगा सकते हैं और बहुत अट्रैक्टिव लुक है इसकी। इसके लिए मैंने ये डोली आर्ट का ये थ्रेड यूज़ किया है जिसको मैंने प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर बॉम्बे से मंगवाया है और इसमें ये शेड से बनाया है मैंने। तो अभी मैं आपको यहाँ पे इस शेड से आपको मैं बना के बताती हूँ। 1 mm का क्रोशे हुक मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको 7 chain हम यहाँ पे एक नोट लगाने के बाद 7 chain बनाएंगे यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ये देखिए 7 chain बनाने के बाद हमने 4th stitch में चेन में यहाँ पे 2 double crochet कर देने। हर एक चेन में हमने अब 2 double crochet यहाँ पे करने हैं। इसके नेक्स्ट वाले पे भी 2 double crochet। तो देखिए ये 3 chain जो हमने बनाई थी उसे भी 1 double crochet मानेंगे। तो ये हमारे पास टोटल अब हो गए हैं 9 double stitches, 9 double crochet हो गया। 9 double crochet करने के बाद अब हमें 9 chain बनानी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। फिर रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के बाद हमें पहले 2 stitches छोड़ने हैं, 1, 2 स्किप करके 3rd वाले में अब हमको 2 double crochet बनाना है। एक चेन, फिर एक स्किप करके उसके अगले वाले में हमें 2 double crochet बनाना है। फिर एक चेन, एक स्किप करके नेक्स्ट 2 double crochet बनाना है। फिर एक चेन और फिर लास्ट वाले में हमको एक 2 double crochet यहाँ पे भी बना लेना है। देखिए 2nd row थी, फिर 7 chain यहाँ पे देंगे हम। 3, 4, 5, 6 and 7। देखिए फिर इसको फ्लिप करेंगे और यहाँ पे अब हम फिर 9 double stitches, 9 double crochet यहाँ पे बनाएंगे इस लूप में। 1, 2, 3 बिल्कुल पास करके बनाने हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए इस तरह से ये हमारी 2nd, 3rd row यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और अब इसके बाद फिर 9 chain, 5, 6, 7,
एट नाइन, नाइन चेन लेके फिर इसको फ्लिप करेंगे और फिर वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही दो स्टिच हमने स्किप करने हैं और थर्ड वाले में हमको एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन और एक स्किप करके चेन, उसके नेक्स्ट हमने एक बनानी है डबल क्रोशिया और फिर एक चेन, फिर एक स्किप करके उसके नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर लास्ट वाले में यहाँ एक स्किप करके लास्ट वाले में हमको फिर डबल क्रोशिया बना देना है। देखिए इस तरह से ये बनेगा और फिर इस साइड पे हमको सेवन चेन बनानी होती है, फोर फाइव सिक्स सेवन, फिर फ्लिप करेंगे और फिर दोबारा से हमें इस लूप में फिर ऐसे ही नाइन डबल क्रोशे करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, तो देखिए ये कुछ इस तरह से ये बनेगी। ऐसे ही आप बनाते जाएं और इसके बाद नाइन डबल क्रोशे के बाद हमको नाइन चेन बनानी है और इस हैंड पे हमको सेवन चेन, ये इधर वाली सारी सेवन चेन है और इस हाथ पे ये नाइन नाइन चेन है। अब देखिए यहाँ पे नाइन चेन बना के फिर मैं आगे ऐसे ही कंटिन्यू कर लूँगी और थोड़ी सी लेंथ बना के मैं फिर आपको ये दिखाती हूँ। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस तरह से इतनी सी लेंथ मैंने रेडी की। तो अभी हमने यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे करना है, इस हाथ यहाँ इस चेन में हमको अभी सिंगल क्रोशे करना है। तो अलग से थ्रेड हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो नोट लगा लेते हैं, पहले जितनी लेंथ हमें लेस की चाहिए उतनी लेंथ हमने इस तरह से रेडी करके फिर हमने ये सिंगल क्रोशे यहाँ पे करना शुरू करना है। देखिए यहाँ पे जो ये स्टिच है इसमें हमने टू सिंगल क्रोशे करने हैं, फिर नेक्स्ट सेवन चेन वाले लूप में हमको ऐसे एक सिंगल क्रोशे करके तीन चेन का एक पिको बनाना है, ये देखिए। फिर यहाँ उसी स्टिच में से इस तरह से हमको स्लिप स्टिच देके पिको क्लोज कर देना है, फिर एक दो दूसरे पे फिर पिको बनेगा, तीन चेन लेके फिर हमें यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच देके इसको ऐसे पिको क्लोज कर देना है, फिर टू वन टू सिंगल क्रोशे और दूसरे पे ही हमने ये पिको बनाना, ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच दे देना है यहाँ पे ऐसे, फिर एक दो, तो टोटल हमको यहाँ पे फोर पिको बनानी है। देखिए ये तीन बन गए यहाँ पे, अब ये चौथा वन टू थ्री और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से और फिर एक और सिंगल क्रोशे देके यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। तो इतना बनाना हमने, एक इस सेवन चेन वाले में हमको एक सिंगल क्रोशे लेके साथ ही पिको शुरू कर दिए हमने और फिर लास्ट पिको बनाने के बाद एक ही सिंगल क्रोशे पे हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। और
इस तरह से ये चेन बनेगी। अब देखिए इसके आगे ये जो डबल क्रोशे है इसमें हमको टू सिंगल क्रोशे लेने हैं, वन टू इस तरह से, और फिर ये सेवन चेन लूप में हमको एक सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर लूप ये पिको बनाना स्टार्ट कर देना है, और इस तरह से हम इसमें भी फोर पिको बना के ये सारा यहाँ से साइड कंप्लीट कर देंगे। तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये साइड हमारी ये पूरी एजिंग इस तरह से पिकोज की ये कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से आप ये ब्यूटीफुल लेस बनाएं, बहुत जल्दी बन जाती है और इसे आप यूज़ करें किसी भी अपने प्रोजेक्ट में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरह, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।